रिलेशंस जो ग्रोथ का प्रतिबिंब है, बीते 8 साल में भारत की बायो इकोनॉमी 8 गुना बढ़ गई है। 10 अरब डॉलर से 80 अरब डॉलर तक हम पहुंच चुके हैं। भारत बायोटेक के ग्लोबल इकोसिस्टम में टॉप 10 देशों की लीग में पहुंचने से ज्यादा दूर नहीं है। नए भारत की इस नई छलांग में बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल यानी बायरेक की बड़ी भूमिका रही है। बीते वर्षों में भारत में बायो इकोनॉमी का रिसर्च और इनोवेशन का जो अभूतपूर्व विस्तार हुआ है, उसमें बायरेक का अहम कंट्रीब्यूशन रहा है। मैं आप सभी को बायरेक के 10 वर्ष की इस सफल यात्रा के लिए, इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर अनेक अनेक बधाई देता हूं। यहां जो एग्जीबिशन लगी है, उसमें भारत के युवा टैलेंट, भारत के बायोटेक स्टार्टअप्स, इनका सामर्थ्य और बायोटेक सेक्टर के लिए भविष्य का रोडमैप बहुत बखूबी सुंदरतापूर्वक वहां प्रस्तुत किया गया है। ऐसे समय में जब भारत अपनी आजादी के अमृत महोत्सव मना रहा है, अगले 25 वर्षों के लिए नए लक्ष्य तय कर रहा है, तब बायोटेक सेक्टर देश के विकास को नई गति देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जीबिशन में शोकेस किए गए बायोटेक स्टार्टअप्स और बायोटेक इन्वेस्टर्स और इंक्यूबेशन सेंटर्स नए भारत की एस्पिरेशंस के साथ चल रहे हैं। आज यहां जो थोड़ी देर पहले जो ई पोर्टल लॉन्च किया गया है, उसमें हमारे 750 बायोटेक प्रोडक्ट लिस्टेड हैं। ये भारत की बायो इकोनॉमी के सामर्थ्य और उसके विस्तार को भी और उसकी विविधता को दिखाता है। साथियों, इस हॉल में बायोटेक सेक्टर से जुड़ा करीब करीब हर सेक्टर मौजूद है। हमारे साथ बड़ी संख्या में ऑनलाइन भी बायोटेक प्रोफेशनल जुड़े हुए हैं। आने वाले 2 दिनों में आप इस एक्सपो में बायोटेक शो के पोर्टल बायोटेक सेक्टर के सामने बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अवसरों और चुनौतियों पर चर्चा करने वाले का संग्रह है। बीते दशकों में हमने दुनिया में अपने डॉक्टर्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स की रेपुटेशन को बढ़ते हुए देखा है। दुनिया में हमारे आईटी प्रोफेशनल्स की स्किल और इनोवेशन को लेकर ट्रस्ट का जो माहौल है, वो एक नई ऊंचाई पर पहुंचा है। यही ट्रस्ट, यही रेपुटेशन इस दशक में भारत के बायोटेक सेक्टर, भारत के बायो प्रोफेशनल के लिए होते हुए हम सब देख रहे हैं। ये मेरा आप पर विश्वास है, भारत के बायोटेक सेक्टर पर विश्वास है। ये विश्वास क्यों है,
इसकी वजह पर भी मैं विस्तार से बात करना चाहूंगा। साथियों, आज अगर भारत को बायोटेक के क्षेत्र में अवसरों की भूमि माना जा रहा है तो उसके अनेक कारणों में पांच बड़े कारण मैं देखता हूं। पहला, डाइवर्स पॉपुलेशन, डाइवर्स क्लाइमेट जोन्स। दूसरा, भारत का टैलेंटेड ह्यूमन कैपिटल पूल। तीसरा, भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए बढ़ रहे प्रयास। चौथा, भारत में लगातार बढ़ रही बायो प्रोडक्ट्स की डिमांड। और पांचवा, भारत के बायोटेक सेक्टर यानी आपकी सफलताओं का ट्रैक रिकॉर्ड। ये पांचों फैक्टर्स मिलकर भारत की शक्ति को कई गुना बढ़ा देते हैं। साथियों, बीते 8 साल में सरकार ने देश की इस ताकत को बढ़ाने के लिए निरंतर काम किया है। हमने होलिस्टिक और होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच पर बल दिया है। जब मैं कहता हूं सबका साथ सबका विकास, तो ये भारत के अलग अलग सेक्टर्स पर भी लागू होता है। एक समय था जब देश में ये सोच हावी हो गई थी कि कुछ ही सेक्टर्स को मजबूत किया जाता था, बाकी को अपने हाल पर छोड़ दिया जाता था। हमने इस सोच को बदल दिया है, इस अप्रोच को बदल दिया है। आज के नए भारत में हर सेक्टर में उसके विकास से ही देश के विकास को गति मिलेगी। इसलिए हर सेक्टर का साथ, हर सेक्टर का विकास, ये आज देश की जरूरत है। इसलिए हम हर उस रास्ते को एक्सप्लोर कर रहे हैं जो हमारी ग्रोथ को मोमेंटम दे सकता है। सोच और अप्रोच में ये जो महत्वपूर्ण बदलाव आया है वो देश को नतीजे भी दे रहा है। हमने अपने मजबूत सर्विस सेक्टर पर फोकस किया तो सर्विस एक्सपोर्ट में $250 बिलियन का रिकॉर्ड बनाया। हमने गुड एक्सपोर्ट पर फोकस किया तो $420 बिलियन के प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट का भी रिकॉर्ड बना दिया। इन सबके साथ ही हमारे प्रयास अन्य सेक्टर्स के लिए भी उतनी ही गंभीरता से चल रहे हैं। इसलिए ही हम अगर टेक्सटाइल के सेक्टर में पीएलआई स्कीम को लागू करते हैं तो ड्रोन, सेमीकंडक्टर्स और हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स इसके लिए भी इस स्कीम को आगे बढ़ाते हैं। बायोटेक सेक्टर के विकास के लिए भी भारत आज जितने कदम उठा रहा है वो अभूतपूर्व है। साथियों, सरकार के प्रयासों का आप हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम में भली भांति उन बातों को बहुत विस्तार से देख सकते हैं। बीते 8 वर्षों में हमारे देश में स्टार्टअप्स की संख्या कुछ 100 से बढ़कर 70,000 तक पहुंच गई। ये 70,000 स्टार्टअप्स लगभग 60 अलग अलग इंडस्ट्रीज में बने हैं। इसमें भी 5,000 से अधिक स्टार्टअप्स बायोटेक से जुड़े हैं। यानी भारत में हर 14वां स्टार्टअप
बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर में बन रहा है। इनमें भी 1100 से अधिक तो पिछले साल ही जुड़े हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश का कितना बड़ा टैलेंट तेजी से बायोटेक सेक्टर की तरफ बढ़ रहा है। साथियों, बीते सालों में हमने अटल इनोवेशन मिशन, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो भी कदम उठाए हैं उनका भी लाभ बायोटेक सेक्टर को मिला है। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत के बाद हमारे बायोटेक स्टार्टअप में निवेश करने वालों की संख्या में 9 गुना वृद्धि हुई है। बायोटेक इंक्यूबेटर्स की संख्या और टोटल फंडिंग में भी लगभग 7 गुना बढ़ोतरी हुई है। 2014 में हमारे देश में जहां सिर्फ 6 बायो इंक्यूबेटर्स थे, वहीं आज इनकी संख्या बढ़कर 75 हो गई है। 8 साल पहले हमारे देश में 10 बायोटेक प्रोडक्ट्स थे, आज इनकी संख्या 700 से अधिक हो गई है। भारत जो अपने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व इन्वेस्ट कर रहा है, उसका लाभ भी बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर को हो रहा है। साथियों, हमारे युवाओं में ये नया जोश, ये नया उत्साह आने की एक और बड़ी वजह है। ये पॉजिटिविटी इसलिए है क्योंकि देश में अब इनोवेशन का, R&D का एक आधुनिक सपोर्ट सिस्टम उन्हें उपलब्ध हो रहा है। देश में पॉलिसी से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक इसके लिए हर जरूरी रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। सरकार ही सब कुछ जानती है, सरकार की अकेली सब कुछ कर लेगी, इस कार्य संस्कृति को पीछे छोड़कर अब देश सबका प्रयास की भावना से आगे बढ़ रहा है। इसलिए भारत में आज अनेक नए इंटरफेस तैयार किए जा रहे हैं, बायरेक जैसे प्लेटफॉर्म्स को सशक्त किया जा रहा है।